Hi guys, welcome back to my channel Traveler Arshad Tezi. This video is about what mistakes middle class people do during travel. Middle class people यानी कि जिनके पास budget generally थोड़ा कम होते हैं, वो travel के वक्त कैसे अपने खर्चे थोड़ा और कम करें, इस video में आप वही जान पाएंगे. पर ये video सिर्फ middle class लोगों के लिए नहीं है, ये उन सब students के लिए भी है जो solo travel करते हैं पर अपने parents से ज़्यादा पैसे मांगना पसंद नहीं करते. सबको जानकारी मिले इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए. चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं. नंबर वन में हम जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो है टाइम, यानी कि किस टाइम पर आपको घूमने जाना है. किसी भी ट्रैवल पे जाने के लिए दो टाइम होते हैं, एक सीज़न एक ऑफ सीज़न. तो आप अगर ऑफ सीज़न में जाए, आप कोशिश करें आप जाने के लिए आपको ऑफ सीज़न के टाइम पे छुट्टी मिले, तो वो उस वक्त आप अगर जाए तो आपके खर्चे आधा से भी ज़्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ सीज़न के वक्त ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं किसी जगह पे, इसलिए वहाँ के खाने पीने के, रहने के, गाड़ी के खर्चे, हर चीज़ आधे या आधे से भी ज़्यादा कम होते जाते हैं. तो आप कोशिश कीजिए ऑफ सीज़न में जाए. हाँ, ऑफ सीज़न में एक नेगेटिव पॉइंट होती है, वो है वेदर सुइटेबल नहीं होती. जहाँ गर्मी के जगह है वहाँ ज़्यादा गर्मी होते हैं, ठंड की जगह में बर्फबारी होते हैं, ये तो है. पर इसके लिए आपको खर्चे बचाने हैं तो आपको थोड़ी तो कष्ट उठानी पड़ेगी. और आप वहाँ पे ऑफ सीज़न में आप ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेंगे, आपको फ़ोटो खिंचाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. नंबर टू जिस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे वो है किस चीज़ पे जाना है, कैसे यानी कि ट्रेन, बस, फ्लाइट, किस पे जाना है. हमारे देश में ट्रेन की सफ़र सबसे सुंदर सफ़र है और सबसे सस्ते भी. ट्रेन पे आप अगर स्लीपर क्लास पे जाए तो आपको सिर्फ 500 से 600 रुपए में आपको रिजर्वेशन मिल सकती है. जिस टाइम पे जाना है उसके 3-4 महीने से आप बुक करेंगे, ऑफ सीजन में टाइम के आपका रिजर्वेशन ज़रूर कंफर्म हो जाएगी. और अगर ऐसी जगह पे जा रहे, जगह यहाँ पे ट्रेन नहीं जाती, फ़्लाइट पे ही जाना है, तो फ़्लाइट के इकोनॉमिक क्लास को बुक कीजिए और कोशिश कीजिए मॉर्निंग के अर्ली फ्लाइट्स आप पकड़े, वहाँ पर खर्चे थोड़ा कम होते हैं. नंबर थ्री पे हम बात करेंगे एकोमोडेशन के, यानी कि होटल की. तो आपको कहाँ रहना है, आपको नॉन एसी बजट होटल में ही रहना है. एसी होटल में बिल्कुल नहीं रहे, वह चार्जेस ज़्यादा होती है. नॉन एसी बजट होटल में रहेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपए के अंदर रूम मिल जाएगी, या फिर आप होम स्टे भी रह सकते हैं. और आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो हॉस्टल में भी आपको रूम मिल जाएगी, जहाँ आप 200 रुपए से 1000 रुपए के अंदर आपको अच्छी खासी रूम मिल सकती है. हाँ, बजट होटल थोड़ी अच्छी खासी नहीं होती है, उसमें स्विमिंग पूल नहीं होते, अच्छी रूम नहीं होते, रूम छोटा भी हो सकते हैं हर पर. हाँ, आप छोटा घर में रहे या छोटा होटल में रहे, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता. और आपके मेन टारगेट तो है जहाँ पे आप गए हैं वहाँ घूमना, वहाँ देखना, आप तो वहाँ घर बसाने नहीं गए हैं ना, इसलिए बजट होटल में रहने की कोशिश कीजिए. नंबर फोर पे हम बात करेंगे फूड्स की, यानी कि आपको क्या खाना है. हाँ, आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो ज़रूर खाना है, ये तीन मील तो आप स्किप नहीं कर सकते. पर आप कोशिश कीजिए स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पे खाने के लिए, यानी कि जहाँ पे लोकल लोग खाते हैं. आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे लोकल पीपल जहाँ पे खा रहे वहाँ के डेली का डेली खाना बनते, पड़े हुए खाना नहीं रहते, नहीं बचते. वहाँ डेली का डेली खाना जहाँ बनते हैं स्ट्रीट फूड स्टॉल में, वहाँ से खाइए. वहाँ आपको ब्रेकफास्ट 50 रुपए के अंदर मिल जाएगी, लंच और डिनर 100 से 150 रुपए के अंदर मिल जाएंगे. अब अच्छी खासी ऐसी रेस्टोरेंट के अंदर मत घुसिए जहाँ वेटर वेटर सब सजाए हुए रहते हैं, बैठे रहते हैं, कस्टमर कब आए और उससे पकड़ के उसको 300 से 500 रुपए का चार्ज पकड़ा दे. तो ऐसे रेस्टोरेंट पर मत घुसिए, आपका खर्चा बहुत ही कम हो जाएंगे. नंबर फाइव है साइट सींग. साइट सींग आप कोशिश कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करने की, यानी कि गवर्नमेंट बस जो होती है वह आपको बहुत ही कम पैसे लगते हैं. अगर बस नहीं मिले तो ऑटो रिक्शा जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यूज़ कीजिए. और आसपास का चीज़ देखना हो तो आप पैदल चल के देख लीजिए, गूगल मैप का सहारा लीजिए, इससे आपका खर्चा बहुत ही कम हो जाएंगे. और लास्ट पॉइंट में मैं बोलूँगी लैंग्वेज के बारे में. आप जहाँ जा रहे वहाँ के लोकल लैंग्वेज अगर आपकी मदर टंग से अलग हो तो कोशिश कीजिए जाने के पहले थोड़ा लैंग्वेज सीख लीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आप लोकल पीपल से बातें कर सकें. लोकल लोगों से आप जानने की कोशिश कीजिए, यानी कि लोकल जो शॉप्स होते हैं, वहाँ के रहने वाले होते हैं, उनके
जाके पूछिए कि आपको जो देखना है आसपास के जगह के बारे में, आप जहाँ रह रहे वहाँ से कितना दूर है, ये सब पूछिए ताकि गाड़ी वाला आपको मिसगाइड नहीं कर सके। इस पे भी आपको बहुत सुविधा होगी। तो वीडियो को कैसी लगी ज़रूर बोलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।